ذكر سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وإتلافه بأهل بكل مال من لك وبأهل خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أهلي وياهلي. आज 11 रजबुल मुरजब है. आज के दिन 1364 हिजरी को हमारे पीरो मुर्शद हजरत अबू अनीस को सिर और अजीज अंग्रेजी फौज से इस्तीफा देकर अल्लाह की राह में निकले और अंग्रेज के खौफ मुराद और तहरीस व तरगीब के हर हरबे को नाकाम बनाकर अपने अजम पे चट्टान की तरह डटे रहे. दिल आकर उसे ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करके हार माननी पड़ी माशाल्लाह. आपने आज के दिन को यौम इस्तकामत के नाम से मौसूम फरमाया और दर हकीकत इस्तकामत की जिंदा मिसाल पेश की. इसी हवाला से मकालात हिकमत में से कुछ तस्करा सुने. इन मकालात हिकमत की तरतीब व तदीन मैद निसा साहबजादी अनीस अख्तर सल्लम अहला बिन तहु अनीस मोहम्मद बरकत अली कोसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. यौम इस्तकामत, इस्तकामत चीज, इस्तकामत क्या है? किसी अमर पे चट्टान की तरह डट जाना, वादे मुखालिफ के किसी झोंके को खातिर में ना लाना, कुछ बचे ना बचे, कुछ रहे ना रहे, हर शय लुट जाए मगर कदम पीछे ना हटे. और ये अजमुल उमूर में से है, बच्चों का खेल नहीं. अजमो इस्तकामत का तज़करा बज़्मे कौनैन की तारीख का ज़री बाब है और इसी से बज़्मे हस्ती में कैद है. तकदीस के चार मकाम हैं, सईद, मसूद, मुबारक, मुकर्रम. जहाँ ये चारों बाहम मुतहद व मुसल व मरबूत हो जाते हैं, मुकद्दस कहलाते हैं. तेरी जिंदगी का वो दिन जिस दिन तुझे तेरे अज़्म पे इस्तकामत नसीब हो, मुतबरक व मुकद्दस है. देखने वाली चीज तो वो दिन था और दिन क्या होते हैं, मैं वे कुमार. देखने वाला दिन तो वो दिन था, अजम इस्तकामत से आरास्ता हुआ, बाल बाल से खुमार टपकने लगा, लहरा लहरा कर चला, इठला इठला कर बढ़ा, गफलत के पर्दे चाक करके अलायक की जंजीरें तोड़कर, हर रिश्ते से मुंह मोड़कर, मौत और हयात से बेनियाज अपनी मंजिल की जानिब दीवानावार बढ़ता चला गया. उसकी एक ही जुम्बश से राह की रुकावटें दम तोड़ गई. उसकी यलगार के आगे तुम दो तेज रेले भी ठहर न सके, तूफान उसका तवाफ करने लगे, गर्दार खिजरे राह बन गए. इबलीस का गुरूर खाक में मिल गया, उसकी तनी हुई गर्दन झुक गई, सारे मनसूबे बिखर कर रह गए, हथियार धरे के धरे रह गए. बसाव से खन्नास खसियाने होकर रह गए, इक्तदार दौलत का गुरूर घुटने टेक गया. दुनिया अपनी तमाम रानाइयों के साथ
उसके आगे हाथ बांधे खड़ी हो गई, मगर उसने आंख उठाकर भी न देखा। सन 1945, सुबह शाम में कितनी करवटें बदली, दुनिया में एक से एक इंकलाब आए, जमाने में रंगा रंग रंगते बदली, हर शह बदली, मगर अजम अजम अटल होता है, बदला नहीं करता। हवाओं में, दरियाओं में, पहाड़ों में, सहराओं में, बस्तियों में, वीरानों में, हर जगह आजम की शौकत इकतदार का चर्चा। बंदा आजम को अपनाकर ही बंदा कहलाया। मर्द जब किसी काम को करने का आजम कर लेते हैं, करके ही रहते हैं, कभी नहीं चलते, चल सकते ही नहीं, अगरचे कोकाब की वादी को पार करना पड़े। तरीकत का दारो मदार तलब पे मौकूफ होता है। दुनियाए तरीकत में गिनती के चंद बंदे होते हैं जिनकी तरफ खालिस पुख्ता दवाम होती है, जो अपनी तरफ कभी नहीं बदलते, बिल्कुल नहीं बदलते। एक ने उनके लिए अपने दिल को दुनिया और दीन की हर तरफ से कुलियतन पाक किया, हत्ता कि उनके सिवा इसमें किसी भी शय की कोई तलब बाकी न रही। फिर वो खराम नाज से अटकेलियां करता हुआ उनकी राह में निकला। उसने कहा कि उस वक्त उसके हमरा उसकी हर शय थी, दिल साथ था, जान साथ थी, रूह साथ थी, नफ्स साथ था, हूरे साथ थी और गलमान साथ थे। गोया उस वक्त ये नन्ना सा कारवां कुल कायनात पे मुश्तमिल था। जब ये कारवां अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए अल्लाह की राह में निकला, अल्लाह के सिवा कोई और गर्दो गायत न थी, बिल्कुल न थी, न कोई दीनी गरज न दुनियावी, उस वक्त अल्लाह की रहमत ने उसका इस्तकबाल किया। हजूरे अकदस व अकमल, अकरम व अजमल, अत्तैब व अतहर रूही खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी आगोश में ले लिया, काली कमरी में छुपा लिया, रूही फैज से मुशर्रफ फरमाकर खजानों की कुंजियां बख्श दी, और ये इनायात की हद है माशाल्लाह। एक ने पूछा कि तुम जिंदगी का ये सारा साजो सामान लिए कहां जा रहे हो और क्या लेने जा रहे हो? उसने कहा कि अगर वो मिले घर का घर बेचता हूं, अगर वो मिले घर का घर बेचता हूं, मैं हस्ती की सारी दुकान बेचता हूं, जरो माल दुनिया तो है ही क्या चीज, मैं कल्ब और नफ्स और रूह जा बेचता हूं। फिर उसके बाद किसी ने भी कभी उससे कोई सवाल नहीं किया। करके दुनिया बच्चों का खेल नहीं, मर्दों का अखाड़ा है। इस मैदान में बड़े बड़े जवान मर्द घुटने टेक गए। ये मंजिल कठिन है, मुश्किल तरीन भी कहें तो बेजा नहीं। हर कोई ना इसका मुतहम्मल हो सकता है ना गुजर रखता है। दावेदार हजार साहिब हाल खाल खाल, दिन बदलते रहते हैं, हाल कभी नहीं बदलता, अवधि होता है। सदी गुजरने पे आई, कसब और आजम जो का तुम, दम गुजर रहा है, तारीख बदल रही है, रुतबे रुत बीत रही है, आजम पुख्ता है और रास
कोई भी शय उसे बदल ना सकी। जो का तू कायम दायम पूरी आन और शान से कमर बंद रहा, हचकोले उसे उखाड़ ना सके। मौजे उठी गर्दार से हम कनार हुई, जोशे अमर पनाना हुआ, यही इब्तदा थी यही इंतहा। इंतहा पाकर मुसाफिर ने ये लगाई, सफर पे गामजन हुआ और कहे जा रहा था, हवादिस उसे देर न कर सके। सर नगू हुए और अफसुदा, ना जौक कम हुआ न शौक। अहले जौक इसे इस्तकामत कहते हैं। तारीख आदम और तारीख इस्लाम की तमाम नाकाबिल फरामोश दास्ताने इस्तकामत ही की दास्ताने हैं। अपने कौल पे साबित कदम रहना जिंदगी की एक दास्तान होती है, जो कभी नहीं भूलती कभी नहीं मुकती, आने वाली हर दास्तान का उन्वान बन जाती है। मुद्दत गुजरी मैं बेफिक्र होकर कभी नहीं सोया, हर वक्त हर हाल में जो कॉल किया था तारी रहा। तारीख ने आदमजात के उस अहद को जिस पे वो आकर दम तक साबित कदम रहा और साबती का बयान सबूत दिया, हमेशा जिंदा और कायम रखा, कभी नजरअंदाज न किया। मिन्नोन कबूल फरमाकर अब्दी बरकात से नवाजा, बाकी हर शय महव कर दी, और यही तारीख का अब्दी दस्तूर है। ऐद की हजार हा साला तारीख में सिर्फ चंद ऐद जिंदा है, जू के तू कायम माशाल्लाह। फैज हमेशा बरकरार रहा, कभी जाहर में जलवा नुमाई की कभी बातन में। हमने वहां सिर्फ एक वादा किया था, तेरा शुक्र एहसान है कि हम अपने उस वादे पर हर पन कारबंद हैं। वो वादा ये था कि जिस दुनिया को आज हम हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह रहे हैं, तेरी कसम जब तक हम तेरी इस दुनिया में जिंदा रहेंगे, इस दुनिया की किसी भी चीज को और किसी भी रंग में कभी कबूल ना करेंगे। वल्लाह बिल्लाह तल्ला 1364 हिजरी, जब वो दुनिया के बाजार में से गुजरा, सारा बाजार उठ खड़ा हुआ और उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया, बाजार की हर शय लाकर उसे पेश कर दी, मोती पेश किए, हीरे पेश किए, लाल पेश किए, गौहर पेश किए। उसने अखलास के दफ्तर में कसम खाकर कहा कि उसने किसी भी चीज की तरफ मुतलिक नहीं देखा। उसके दिल में अल्लाह के सिवा, अल्लाह की कसम, किसी भी शय की कोई तरफ बाकी न थी। उसका दिल हर शय से खाली और बिल्कुल खाली था। जिस तरह खाली हाथ बाजार में दाखिल हुआ था, इसी तरह खाली हाथ लौट गया। और ये उस पे उसके अल्लाह का खास इनाम था, वरना दुनिया के भरे बाजार में से कभी कोई सलामत नहीं लौटा। बड़े बड़े आदमी छोटी छोटी बातों में उलझे, और इस बाजार से वही बचकर निकला जिसे अल्लाह ने बचाया। इसमें उसका कोई कमाल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुतलिक नहीं। ये जो कुछ भी हुआ अल्लाह ही की तौफीक और कुदरत से हुआ, अल्लाह ही के लिए हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये खत्मुल कलाम है, माशाल्लाह। या हय्यू या क़य्यूम, अल्हम्दुलिल्लाह या क़य्यूम, वल्लाह खैर राज़िकीन, वल्लाह ज़ुल फ़ज़्ल अज़ीम। Allah'a emanet olun.
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहम्मद वाली मुसाफिर भाई का।